क्या मामला हुआ? सर मामला ऐसा हुआ, मैं मृतक का भाई हूँ मनीष पंवार, मेरे भाई का नाम है हरीश पंवार, जो कि कल शाम को 7:30 बजे के समथिंग सजाड़ा धाम की तरफ जा रहा था, तो कुछ गुंडा थे, गुंडे वगैरह थे या फिर जो भी थे, तस्कर थे, स्मैक वगैरह पीते वो लोग थे, तो उन्होंने शायद इसके ऊपर हमला किया या नहीं किया इसका पता नहीं है मुझे। तो मेरे पास में कॉल आया कि मेरे पीछे कोई गाड़ी भगा रहा है ज़ोर ज़ोर से, कार थी उसके पास में और टू व्हीलर थे, ठीक है, उसके ऊपर पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी करने की वजह से वो घायल हो गया, घायल होने की वजह से उसकी गाड़ी नीचे कहीं खाई में, मतलब छोटी खाई में जाके गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर मैं ये चाहता हूँ कि सर मेरे भाई को न्याय मिले, और सामने हमने हमारे एसोसिएशन वालों ने और हमारे लोहार समाज समिति ने ये फैसला किया है कि उसको 20 लाख का मुआवजा और एक गवर्नमेंट नौकरी का दर्जा दिया जाए। हम आज ऑटो रिक्शा हमारे भाई साहब है जो उनके हत्या कर दी गई है, उनके बाबत आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, मुर्दागर मोर्ची है शास्त्री नगर में उसके बाहर, और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई जब तक हरीश के हत्यारों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ मोर्चे के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और हमने प्रशासन को अवगत करवाया है 12 घंटे के अंदर, अगर 12 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम कल चक्का जाम करेंगे और शास्त्री नगर मेन गेट के बाहर, एक नंबर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ धरना देकर बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे।